It is rightly said that prevention is better than cure. आइए आज हम देखते हैं कि घुटनों के दर्द से या नी पेन से हम कैसे राहत पा सकते हैं और इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नमस्कार बलराम जी। नमस्कार जी। संजीवनी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। माय प्लेजर। बलराम जी, आपने पिछले 3 दशकों में अपने एक्सपर्ट गाइडेंस से ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के थ्रू लोगों के फिजिकल, मेंटल और इमोशनल पेन से राहत दिलाने में मदद की है। आजकल के इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोगों की लाइफ बहुत ही सेडेंट्री और स्ट्रेसफुल होती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को बॉडी पेन्स या जॉइंट पेन्स बहुत रहते हैं। इसमें भी खासकर नी पेन की से लोग बहुत ही पीड़ित हैं। सो आज आप बताइए कि हम घुटनों के दर्द या नी पेन से कैसे राहत पा सकते हैं। नीति जी, जो घुटनों का दर्द है ना, हर व्यक्ति आज इसे बहुत परेशान है, किसी भी उम्र का हो। घुटना वो ज्वाइंट है जहाँ पर हमारे पूरे शरीर का सबसे ज़्यादा लोड बेयर करता है। हम चलते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, लेटते हैं, खड़े रहते हैं, तो पूरे बॉडी का जो वेट है वो घुटने का ज्वाइंट बेयर करता है। अगर हम घुटने के ज्वाइंट को हमेशा ही मजबूत रखना चाहते हैं, स्ट्रांग रखना चाहते हैं, तो हमें कुछ ऐसे व्यायाम मैं आपको बताऊँगा अभी, जहाँ से हम काफ मसल, जंगा के पिछले भाग हैमस्ट्रिंग्स, जंगा के फ्रंट के भाग क्वाड्रिसेप्स और हिप मसल्स को अगर हम इन व्यायाम के द्वारा, सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा उसका मस्कुलर टोन अगर हम बनाए रखते हैं, तो हम बहुत लंबा आयुष्य इन घुटनों को दे सकते हैं और दर्द में बहुत सुंदरता से हम राहत उसमें ला सकते हैं। तो चलिए नितिशा जी, अब मैं आपको बताऊँगा कि जो सूक्ष्म व्यायाम है ये कैसे किए जाते हैं। आइए देखिए, पहले हम 4 आसन बैठकर करेंगे। आसन में जाने के पहले, सूक्ष्म व्यायाम करने के पहले, आपने जैसे हाथों की पूंजी रखी वैसे हाथ रखे जाते हैं, पैरों में 2.5 फुट का अंतर रखा जाता है, उंगलियां दोनों तरफ बाहर की तरफ रिलैक्स पोजीशन में, गर्दन को कंधे के पीछे ले जाएं, आंखें बंद कर दें। इसको कहा जाता है आरामदायक स्थिति। अब आसन में जाने के लिए पहला आसन हम करने जा रहे हैं टो बेंडिंग। उंगलियों को आगे पीछे मोड़ेंगे, पैरों को मिलाओ, हाशरी के पास में ले आओ। हाँ, अब दोनों उंगलियों में 4 इंच का अंतर रखें दोनों पैरों में। अब पैरों की सभी उंगलियों को आपको आगे पीछे करना है, आंखें बंद कर लें, पूरा फोकस आपकी उंगलियों की तरफ। अब उंगलियों को हिलाएं, आगे पीछे करें 10 बार, बहुत ही स्लो मूवमेंट, बहुत ही स्लो मूवमेंट। पैरों को सीधा रखें, सिर्फ उंगलियां मूव हो रही हैं। अब सेकंड अभ्यास हम करने जा रहे हैं, इसको कहा जाता है एंकल बेंडिंग। अब दोनों ही पैरों को आगे पीछे करें, पैरों को आगे पीछे करें, ध्यान रहे घुटने ऊपर न उठें। अभ्यास को धीमे धीमे करें, पहले दोनों पैरों को आगे की तरफ मैक्सिमम स्ट्रेच करें, फिर अंदर की तरफ लाके स्ट्रेच करें। इससे पैर की अगली और मिसले जो टांगों की मांसपेशियां हैं वहीं काफी एक्टिवेट हो रही हैं। अब तीसरे अभ्यास में एंकल रोटेशन में दोनों पैरों में 2.5 फुट का अंतर ले लें, एंकल रोटेशन में 2.5 फुट का अंतर ले लें, लेफ्ट पैर को रिलैक्स करें बाएं पैर को और दाहिने पैर को बड़ा शून्य बनाते हुए रोटेट करें 10 बार, बड़ा शून्य बनाए, मेक इट बिग सर्किल। उल्टा बिग सर्किल, घुटने जमीन से, घुटना जमीन से ऊपर न उठे, एंटी क्लॉकवाइज। अब अपने दाहिने पैर को रिलैक्स करें और बाएं पैर को घुमाएं 5 बार सीधा क्लॉकवाइज, बड़ा शून्य बनाएं, घुटने ऊपर न उठें, आंखें बंद रहें और पूरा फोकस आपके एंकल्स की तरफ रखें। अब उल्टा घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे बड़ा शून्य बनाते हुए 5 बार उल्टा घुमाएं। अब इसी अभ्यास को दोनों पैरों को मिला लें, अब दोनों पैरों को मिला लें, अब दोनों पैरों को एक साथ रोटेट कराएं, कट।
अब एंकल रोटेशन के अभ्यास को दोनों ही पैरों से हम करेंगे, तो दोनों पैरों को मिलाकर अब पांच बार सीधा घुमाएं क्लॉकवाइज में, बड़ा शून्य बनाएं, घुटने ऊपर न उठे, घुटने ऊपर न उठे, ज्यादा से ज्यादा छोटी उंगली को जमीन से छुआने की कोशिश करें, या आपके कारपेट पर जहां भी आप बैठे हैं, अब इसको उल्टा घुमाएं, बड़ा शून्य बनाएं, रिलैक्स। चौथा अभ्यास हम करने जा रहे हैं नी कैप कॉन्ट्रैक्शन। नी कैप कॉन्ट्रैक्शन में आपको क्या करना है, दोनों ही घुटनों के ये जो राउंड बोन है या पटेला बोन, उनको आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है और कौन करना है दस्तक, और फिर उसको रिलैक्स करना है। यस, ये जो राउंड यहाँ होती है इसको हम कटोरी कहते हैं, इसको हम पटेला बोन कहते हैं। अगर हम इसको कंप्रेशन देते हैं तो ये जो पटेला बोन है जिसके मूवमेंट की वजह से ही हम घुटनों को मूवमेंट देते हैं, तो वो यहाँ मूवमेंट मिलता है। यस, कॉन्ट्रैक्ट, काउंट 10, रिलैक्स, अगेन काउंट 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स, अगेन कॉन्ट्रैक्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। इसको आप 10 बार भी कर सकते हैं, लेकिन जिनके घुटनों में बहुत दर्द है, कार्टिलेज घिस चुका है, घुटनों में गैप बढ़ गई है, वो शायद इस अभ्यास को करने के समय उनको काफी पेन होता है, वो कर ही नहीं पाते हैं, ऐसे समय अगर हम किसी भी छोटे टॉवल को रोलिंग करके अपने दोनों ही घुटनों के नीचे ले जाते हैं, तो अभ्यास उन लोगों के लिए बड़ा ही सहज होता है जिनको इनके घुटने ये कह सकते हैं कार्टिलेज घुस गया है, बहुत ज्यादा दर्द है। तो अभी हम इसी अभ्यास को करके दिखाएंगे अपने लोगों, इसको उन लोगों के लिए जिनको बहुत पीड़ा है घुटनों की, कार्टिलेज घिस गया है, कैसे आसान बनाते हैं। देखिए, अब इस टॉवल के द्वारा हम इस अभ्यास को करेंगे, किसी भी एक मुलायम टॉवल को फोल्ड करके आप दोनों ही घुटनों के नीचे ले जाएं। यस, अब कॉन्ट्रैक्ट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स, अगेन कॉन्ट्रैक्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स, और एक बार कॉन्ट्रैक्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। बस इसके बाद अब हम देखेंगे पांचवा अभ्यास, जो बहुत ही ज्यादा फायदे वाला होता है जिनका, जब घुटनों का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, दोनों ही जो अभ्यास में भी करा रहा हूं वो ड्रामेटिकली काम करते हैं घुटनों का दर्द। नीता जी, अब दो आसन हम लेटकर करेंगे, तो साइड से करवट लेकर लेटे, आरामदायक स्थिति में आ जाएं, पैरों में 45 का अंतर लें, पैरों को अपार्ट करें और पैरों को फटी डिग्री ले लें बाहर की तरफ, हाथ सिरे से दूर रखें, हथेलियां आधी खुली आधी बंद, टेढ़े पाम सब। यस, दोनों आसनों को कहा जाता है लेग रेजिंग, पैरों को ऊपर उठाएंगे अलग अलग डायरेक्शन में। अब आसन में जाने के लिए लेग रेजिंग नंबर 1, पैरों को मिलाएं, हाथ सिरे के साइड में ले आए, हथेलियां जमीन की तरफ। अब आपके लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लें घुटने से, राइट लेग को उठाएं सीधा घुटने से नमोड़ते हुए जंगा के लाइन में। अब आप जो है राइट लेग की उंगली को अंदर की तरफ खींचें, मैक्सिमम पुल करें, आंखें बंद करें और 10 तक काउंट करें। एंटायर आपके लेग्स में, सभी मांसपेशियों में काफी खिंचाव बना हुआ है, 10 काउंट तक रिलैक्स करें, रिलैक्स करें उंगलियों को, पैर उसी डायरेक्शन में रहेगा उसी जगह पर, फिर प्रेस करें अंदर की तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स, और एक बार पैर की अंदर की तरफ खींचें, मैक्सिमम पुल करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। अब पैर को सीधा नीचे ले आए, अब आपके राइट लेग को सीधा करें, लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, सॉरी राइट लेग को फोल्ड करें, और अब बाएं पैर को थोड़ा और फोल्ड करें, बाएं पैर को उठाएं, ये जंगा की लाइन में ले आए। अब पैर को सीधा रखते हुए पैर की उंगली को अंदर की तरफ खींचें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स।
और एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स और एक बार मैक्सिमम प्रेस करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स पैर को नीचे ले आए दूसरे पैर को भी सीधा कर लें और आरामदायक स्थिति में चले जाएं रिलैक्स अब हम चल रहे हैं लेग रेजिंग के पार्ट टू की तरफ योग स्थिति में आए पैरों को मिलाएं हाथ शरीर के पास में ले आए हथनियां जमीन की तरफ अपने लेफ्ट लेफ्ट को फोल्ड करें घुटने से और राइट लेग को ऊपर उठाएं छाती की तरफ ले आए दोनों हाथों का सपोर्ट पीछे सपोर्ट भी नहीं होगा सिर्फ प्लेसमेंट दें दोनों हथनियों को पैर को सीधा करें और अंदर की तरफ खींचें ये ध्यान रहे कि ऐसा करने के वक्त हमारी कमर ऊपर ना उठे इसके लिए पेट को दबा के रखें और मैक्सिमम प्रेस करें अंदर की तरफ घुटने को सीधा रखें आंखें बंद करते हुए जो खिंचाव बना है एंटायर लेग में फ्रंट एंड बैक साइड में उसे महसूस करें विशेष करके एंटायर बैक ऑफ द लेग में प्रेशर बनता है और अब पैर की धीरे से वापस पैर को फोल्ड कर अपनी जगह पर ले आएं अब दूसरे पैर को ऊपर उठाएं दोनों हाथों की उंगलियों को जस्ट पीछे प्लेसमेंट दें उठाएं ऊपर पेट को दबाते हुए पैर को अंदर की तरफ खींचें मैक्सिमम पुल करें जंगा के पिछले भाग से एंटायर बैक ऑफ द लेग में जो स्ट्रेच बना जो खिंचाव बना उसे महसूस करें अपनी क्षमता अनुसार ठहरें अब धीरे से इसी घुटने को भी वापस फोल्ड करके जमीन पे ले आएं देखिए नताशा जी अभी इसी आसन को उन लोगों के लिए जिनके घुटने सीधे होते ही नहीं हैं जिनके कार्टिलेज घिस गए हैं सांधों में गैप बढ़ गया है तो उनके लिए आसन करना बड़ा कठिन होता है लेकिन अगर हम इस आसन में चुन्नी का सहारा लेते हैं तो यह आसन बड़ा आसान और बड़ा इफेक्टिव होता है तो अब चुन्नी दीजिए इधर आप है ना पहले योग स्थिति में आए पैरों को मिलाएं हाथ शरीर के पास मिले अतनिया जमीन की तरफ अब दोनों ही पैरों में थोड़ा अंतर लेकर दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करो राइट अब आपको क्या करना है आपके राइट लेग को फोल्ड करो चुन्नी को फंसाओ राइट लेग को यस अब पैर को सीधा करो स्ट्रेट पेट को दबाए रखो अंदर की तरफ ताकि कमर ऊपर न उठे जितना ला सकते हैं पैर को अंदर लाएं क्षमता अनुसार ठहरें और वापस आने के लिए वापस घुटने को फोल्ड करें पैर को जमीन पे ले आएं अभी इसी अभ्यास को हम राइट लेग से रिपीट करेंगे राइट लेग से दाहिने पैर से दूसरे पैर से रिपीट करेंगे चुन्नी को फंसाएं और अब धीरे से आपके राइट लेग को दाहिने पैर को सीधा करें स्ट्रेट पेट को दबाते हुए कमर ऊपर उठे अपनी क्षमता अनुसार इसको स्ट्रेच करें बहुत सुंदर खिंचाओ आपके एंटायर लेग के बैक साइड में जो बना है उसे महसूस करें वापस आने के लिए धीरे से आंखें खोलें पैर को घुटने से फोल्ड करें जमीन पे ले आएं और अब दोनों पैरों को सीधा कर लें और आरामदायक स्थिति में चले जाएं रिलैक्स नेताजी अब आप धीरे से अपने दाहिनी तरफ से करवट लेकर टर्न राइट हैंड साइड और दोनों हाथों को सपोर्ट लेकर अपनी जगह पर उठकर बैठे हाँ बलराम जी ऑलरेडी इतना ज्यादा रिलैक्सेशन मिल रहा है पैरों में टांगों में और ऐसे लग रहा है जैसे जान आ गई लाइटर आई एम फीलिंग लाइटर आपकी दोनों ही टांगे इस अभ्यास से मस्कुलर टोन में आ जाती हैं वहां का लचीलापन बढ़ता है और हल्कापन आ जाता है और आपके ज्वाइंट को घुटने के ज्वाइंट को वंडरफुल सपोर्ट इन अभ्यास से मिलता है बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी आपका फॉर टीचिंग अस सच सिंपल एंड इफेक्टिव एक्सरसाइजेस बहुत बहुत धन्यवाद तो देखा दोस्तों कितने सिंपल और क्विक एक्सरसाइजेस हैं अपने नी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तो आप भी इन एक्सरसाइजेस को जरूर कीजिए और अपने नी पेन से छुटकारा पाइए तो दोस्तों इस एपिसोड को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और संजीवनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए